हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे कि सोलर सेल किस तरह से वर्क करता है और कैसे, क्या टेक्नोलॉजी है, क्या साइंस है, क्या फिजिक्स है उसके पीछे। इन सारी चीज़ों को समझेंगे। आज हमारा मेन टॉपिक होगा बेटा सोलर सेल से। जैसा कि आप जानते हैं कि रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हमारे पास आज की डेट में बड़ी इम्पॉर्टेंट है बेटा, बिकॉज थर्मल पावर प्लांट क्या करते हैं, पोल्यूशन जनरेट करते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट जो हैं वो थोड़ा सा रिस्की होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर मटेरियल को हैंडल करना इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क, वो एक बहुत आसान सी चीज़ नहीं होती है। तो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान जाने लग गया है, और आजकल आप इंडिया के अंदर भी देखते हैं कि बहुत सारे सोलर पैनल रूफ पे लगे होते हैं। और सोलर सेल हमारे पास किस तरह से वर्क करता है। अब सोलर सेल एक्चुअल में बेसिकली यानी कि सन की एनर्जी को ट्रैप करके हम काम करते हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि सन की एनर्जी बड़ी एबेंडेंस हमको सब सब मिलती है। देखिए, सूरज हमारा चमक रहा है और खूब रोशनी देता है, और उसकी एनर्जी का हम भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं, अनलिमिटेड एनर्जी होती है। दूसरी चीज़ जो हमारे पास होती है, मतलब लिमिटेड मतलब सेकंड बेस्ट सोर्स जो हो गया वो हो गया सैंड, और सैंड ही मेन हमारे पास इंग्रेडिएंट होता है इन सोलर सेल को बनाने से। जैसा कि आप जानते हैं कि सैंड के अंदर सिलिकन होता है, जो कि 99% सिलिकन होता है, और इस सिलिकन को हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, और उससे हम सिलिकन के वेफर को बनाते हैं, है ना। ये सिलिकन का क्रिस्टल बनाने का तरीका होता है हमारे पास, जिससे हम सोलर सेल बनाते हैं। अब बेसिकली जो हमारे पास सिलिकन होता है, सैंड को हम कार्बन के साथ क्या करते हैं, मिला के हीट करते हैं 2000 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमको मिलता क्या है बेटा, एक रॉ सिलिकन मिलता है, जो कि 98% प्योर सिलिकन होता है। अब इस रॉ सिलिकन को भी हम कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से हम पास कराते हैं, इसको हम क्या करते हैं, गैसेस सिलिकन में कन्वर्ट करते हैं, और फिर हाइड्रोजन के साथ एक चैम्बर के अंदर मिक्स करके ये एक तरह का सिलिकन का इंगॉट बनाते हैं। इसको इंगॉट कहते हैं बेटा, एक पतला सा एक ब्रिक होती है, उसको इंगॉट कहते हैं। और फिर इस सिलिकन के इंगॉट को हम क्या करते हैं बेटा, काटते हैं और स्लाइस करते हैं, और पतली पतली स्लाइस करके वेफर्स फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट करते हैं। ये देखिए, पतले पतले वेफर्स आ गए। अब भाई, ये वाले वेफर्स नहीं आलू वाले जो कि आप खाने को सोच रहे हैं कि सब खाने को मिल जाएगा, नहीं, ये सिलिकन के वेफर्स हैं। और यही सिलिकन के वेफर्स जो होते हैं, यही हमारे सोलर सेल में काम आते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि इसके पीछे जो फिजिक्स है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपकी थ्योरी क्लासेस के अंदर डिस्कस कर लिया है, कि बेटा सिलिकन एक टेट्रावेलेंट हमारे पास मटेरियल होता है, जिसके अंदर प्योर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। और ये अगर हम सिलिकन के स्ट्रक्चर को देखें, तो ये देखिए कितना खूबसूरत सा सिलिकन का एटम है हंसता हुआ, है ना। तो प्योर कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, अपने ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करेगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, क्योंकि ये टेट्रावेलेंट है। लेकिन अगर सपोज कर लो कि इस टेट्रावेलेंट एलिमेंट में हम डोपिंग करते हैं, दो तरह की डोपिंग करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डालते हैं तो हमको एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है, है ना। और अगर हम ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी डालेंगे तो हमको पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा। और इसी सिलिकन से हम क्या करते हैं, ये दो तरह के सेमीकंडक्टर बनाते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। कैसे ये बनता है, ये सारी डिटेल्स हमने थ्योरी आपको ऑलरेडी थ्योरी क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया है। आज तो हम सिर्फ मेनली सोलर सेल की बात करेंगे। तो ये देखिए, ये हमारे पास है टेट्रावेलेंट एलिमेंट ने प्योर कोवेलेंट बॉन्ड बना के अपने ऑक्टेट रूल को कंप्लीट किया, और कितना खुश नजर आ रहा है ये सिलिकन का एटम। अब हम क्या करेंगे, एक पेंटावेलेंट इंप्योरिटी, जैसे कि हमारे पास फॉस्फोरस हो गया, उससे हम क्या करेंगे, इंप्योरिटी ऐड करेंगे, डोपिंग करेंगे। और जैसे ही आप पेंटावेलेंट इंप्योरिटी इसके अंदर बेटा ऐड करते हैं, आपको पता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन होता है, और उस एन टाइप में हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस हो जाती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जैसा कि आप जानते हैं मेजॉरिटी कैरियर्स बन जाएंगे और होल्स बन जाएंगे माइनॉरिटी कैरियर्स। तो हमने एक एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाया,
और जब हम इसके अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो आप देखिए इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगेगा, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है। लेकिन सपोज कर लो कि अगर हमें इसके इसी पर्टिकुलर एन टाइप सेमीकंडक्टर का जो इस्तेमाल है वो सोलर सेल के रूप में करना है, तो हमें सनलाइट अगर हम जब गिराते हैं इसके ऊपर, तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन जो हैं, जो कि रिलेटिवली एक हायर स्टेट पे, एनर्जी स्टेट पे होते हैं, ये इमिडिएटली फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं, क्योंकि फोटोन की एनर्जी जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन रिसीव करेंगे ये एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाते हैं और हायर एनर्जी लेवल पे आ जाते हैं, तो एक तरह से ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। लेकिन ये एक समस्या होती है कि बेटा हम लाइट के गिराने से इलेक्ट्रॉन का इमिशन तो कर सकते हैं, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो नहीं करा सकते, यानी कि फ्लो कराने के लिए हमें कुछ ड्राइविंग फोर्स की जरूरत होगी। इलेक्ट्रॉन का लिबरेशन तो इस तरह से हो जाएगा लेकिन फ्लो नहीं हो पाएगा, और यहां से अगर हम देखें तो कोई करंट नहीं जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहीं किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पास कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं है। तो ड्राइविंग फोर्स चाहिए, तभी ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मूव करेगा, और उसको तभी हम बना सकते हैं जब हमारे पास एक प्रॉपर पी एन जंक्शन बने। अब जिस तरह से हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाया है उसी तरीके से हम पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाएंगे, और जैसा कि आप जानते हैं कि प्योर सिलिकॉन को हम अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है तो बेटा ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी जैसे कि बोरॉन, उससे हम क्या करेंगे, इसकी डोपिंग करेंगे, और जब हम इसमें डोपिंग करेंगे तो पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स बेटा होल्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो माइनॉरिटी कैरियर्स हो जाते हैं। और हम जब पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर जब हम लेते हैं और इनको हम जब ज्वाइन करते हैं तो ये बन जाता है पी एन जंक्शन डायोड। और पी एन जंक्शन डायोड में जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन और होल्स एक दूसरे के माइनॉरिटी रीजन में डिफ्यूज कर जाते हैं और एक छोटा सा एक रीजन बनाते हैं जिसको बेटा डेप्लीशन रीजन कहते हैं। डेप्लीशन रीजन का फॉर्मेशन होता है, तो डेप्लीशन रीजन की थिकनेस जितनी ज्यादा होगी उतना ही हमारे लिए एडवांटेजियस होगा। और इसी तरीके से जैसा कि आप जानते हैं कि डेप्लीशन रीजन एक ऐसा रीजन है जहां पे बेटा इलेक्ट्रॉन्स और होल्स कंबाइन कर जाते हैं, तो जब कंबाइन कर गए तो उस रीजन के अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन या होल्स हमको नहीं मिलता है, क्योंकि डेप्लीशन रीजन एक प्योरली एक ऐसा रीजन है जहां पे ये सारे कंबाइंड फॉर्म में होंगे। और जब इलेक्ट्रॉन और होल्स कंबाइंड हो गए तो बेटा जैसा कि आप जानते हैं कि डेप्लीशन रीजन प्रिवेंट करता है फर्दर फ्लो ऑफ द मेजॉरिटी कैरियर्स इनटू द माइनॉरिटी रीजन, यानी कि एक छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हो जाएगी जो कि इलेक्ट्रॉन को इधर नहीं आने देगी और होल्स को उधर नहीं जाने देगी। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरह की, जिसको हम नाम भी देते हैं बेटा कॉन्टैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कॉन्टैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक तरह का पोटेंशियल बैरियर एस्टैब्लिश हो जाता है जो कि डेप्लीशन रीजन के अक्रॉस होता है। ये पोटेंशियल बैरियर अब फर्दर प्रिवेंट करेगा फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड द होल्स इनटू द माइनॉरिटी रीजन। तो ये देखिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हो गई जिसकी वजह से डेप्लीशन रीजन के अक्रॉस एक पोटेंशियल बैरियर बन गया। अब हम क्या करते हैं, ये तो हमारे पास साधारण सा पीएन जंक्शन डायोड हो गया। अब हम सपोज कर लो कि हम लाइट को गिराते हैं, है ना, और लाइट क्या होती है, एन रीजन से पास होने के बाद इस पूरे डेप्लीशन रीजन तक पहुंचती है। तो डेप्लीशन रीजन में कुछ अमेजिंग बात आती है कि यहां पे होल्स और इलेक्ट्रॉन्स तो कंबाइंड फॉर्म में है, लेकिन जब फोटॉन गिरेगा बेटा तो फोटॉन अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देगा, इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी का इस्तेमाल करेगा और अपने होल्स को छोड़ के वो बाहर आ जाएगा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर आया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इसको वापस अपने मेजॉरिटी रीजन में भेज देगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन वापस एन रीजन में चले जाएंगे और होल्स वापस पी रीजन में मूव कर जाएंगे। और जैसे ये देखिए इलेक्ट्रॉन्स और होल्स लिबरेट हो गए, अलग अलग हो गए, इलेक्ट्रॉन का मोशन अब उधर की तरफ वापस हो जाएगा, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इसको वापस भेज देगी, जाओ भाई जाओ, सब उधर जाओ और होल्स इधर आ जाओ अपने रीजन के अंदर। ये अमेजिंग चीज हो गई। अब ये कहानी की वजह से होगा क्या, इस एन रीजन में
इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा और पी रीजन में होल्स का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा और एक तरह का इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस एस्टैब्लिश हो जाएगा। ये देखिए एक पोटेंशियल डिफरेंस हो गया दोनों एंड्स के अक्रॉस, और जब हम यहाँ पे इसके अक्रॉस कुछ वायर लगा के कुछ लोड लगाएंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाएगा और करंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। इस तरह से करके ये हम अपना ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं। लेकिन थोड़ी बहुत टेक्निकलिटी है, और टेक्निकलिटी ये है कि हम किस तरह से ये सोलर पैनल का ऑब्जेक्टिव अचीव करें। तो हम क्या करते हैं, ऊपर एन रीजन है ना, तो एन रीजन को हम हैवली डोप करेंगे, यानी कि एन टाइप सेमीकंडक्टर की जो डोपिंग हो गई वो हैवी डोपिंग होगी। बेटा हैवी डोपिंग का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा होगी, और जो पी टाइप सेमीकंडक्टर हमने नीचे लिया है इसकी हम लाइट डोपिंग करेंगे। अब आप एक और चीज़ देख रहे होंगे, वो ये देख रहे होंगे कि बेटा जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसकी थिकनेस देखिए कम है और पी टाइप सेमीकंडक्टर की थिकनेस क्या दिख रही है, ज़्यादा दिख रही है। तो जिसका लाइट डोपिंग करी है उसकी थिकनेस ज़्यादा रखेंगे, और जिसकी हैवी डोपिंग करी है उसकी थिकनेस क्या करेंगे, कम करेंगे। ऐसा करने से हमें जो डेप्लीशन रीजन मिलेगा वो उसकी विड्थ ज़्यादा मिलेगी। आप जब हमको पाएंगे तो देखिए, जब ये मेजॉरिटी कैरियर माइनॉरिटी रीजन में जब जाते हैं और डेप्लीशन रीजन मिलता है तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि डेप्लीशन रीजन की जो विड्थ है वो कितनी ज़्यादा विड्थ हो गई, और विड्थ जितनी ज़्यादा होगी बेटा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल का पेयर होगा, और उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन और होल्स लिबरेट होंगे जब वो फोटॉन गिरेगा। ठीक, तो हम जब फोटॉन को गिराते हैं यानी कि जब लाइट गिराते हैं तो लाइट एन रीजन के थिन लेयर से पास हो जाती है, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइट डिप्लीशन रीजन में आने के बाद इलेक्ट्रॉन और होल्स जो जनरेट होते हैं, जो सेपरेट होते हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और जिसकी वजह से करंट की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सोलर सेल की बेटा एफिशिएंसी हम बढ़ा सकते हैं। तो सोलर सेल की एफिशिएंसी हम ऐसे बढ़ाते हैं कि एन रीजन को हम पतला रखते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट कहाँ पे जा सके, बेटा आपका डेप्लीशन रीजन में जा सके। दूसरी चीज़ जो हो गई वो ये हो गई कि डेप्लीशन रीजन की विड्थ जितनी ज़्यादा होगी हमको होल्स और इलेक्ट्रॉन्स उतने ही ज़्यादा संख्या में मिलते चले जाएंगे। तो जितने ज़्यादा मिलेंगे उतना ही हमारे लिए बेनिफिशियल होगा ना बेटा, क्योंकि करंट उसी हिसाब से रेशियो में बढ़ जाएगा। तो ये हमारे पास किस तरह से सोलर सेल वर्क करता है। अब ऐसे हमारे पास एक पर्टिकुलर जो सेल होता है वो बेसिकली 0.5 वोल्ट के आसपास जनरेट करता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम ऐसे रखते नहीं हैं सोलर सेल को, हम क्या करते हैं कि दो ईवीए शीट्स के बीच में लगाते हैं, और ये देखिए जैसे कि ये हमारे पास एक सोलर सेल हो गया है ना, और यहाँ पे देखिए ये बस बार हो गया। फिंगर से क्या होता है कि लाइट पास होती है, इलेक्ट्रॉन इस बस बार में कलेक्ट होता है, लेकिन हमें इसको कैसे कनेक्ट करना है बेटा, सीरीज में है ना। तो आपको पता है कि ऊपर वाला जो पार्ट है वो इलेक्ट्रॉन का पार्ट है, और नीचे वाला पार्ट जो है वो पॉजिटिव चार्ज यानी कि होल्स का पार्ट हो गया। तो हम सीरीज में लगाने के लिए क्या करेंगे बेटा, ऊपर वाले को नीचे से कनेक्ट करेंगे, अल्टरनेट करेंगे ना, पॉजिटिव नेगेटिव, तभी वो क्या होगा, सेल्स सीरीज में होंगे। और जब सीरीज और पैरेलल की इस तरह से मिक्स्ड ग्रुपिंग करते हैं तो बेटा हाई वोल्टेज और हाई करंट हमारा ऑब्जेक्टिव जो होता है वो अचीव हो जाता है। ठीक, तो इस तरह से करके हम यहाँ पे ये देखिए सीरीज में हमने लगा दिया तो हमें वोल्टेज बढ़ गया, और पैरेलल में लगाने के बाद हमारा करंट की वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाती है। तो मिक्स्ड ग्रुपिंग के फॉर्म में ये सोलर पैनल तैयार हो गया, और इस सोलर पैनल से फिर हम क्या करते हैं, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, और इसको ईवीए शीट्स के बीच में लगते हैं ताकि हमारे पास धूल मिट्टी वेपर वो मॉइस्चर इन सब चीज़ों से क्या किया जा सके, इसको प्रोटेक्ट किया जाए, और एक ग्लास की ऐसे शीट होती है जिसको हम प्रोटेक्ट करते हैं।
अब देखिए कई बार क्या होता है कि दो तरह के सोलर पैनल आपको दिखते हैं, एक तो जो कि जिसको हम पॉलीक्रिस्टलाइन कहते हैं और दूसरा जो कि मोनोक्रिस्टलाइन होता है। बेटा होता कुछ नहीं है, दोनों ही सिलिकन के वेफर्स होते हैं। बस एक ये होता है कि मोनोक्रिस्टलाइन की कंडक्टिविटी थोड़ी सी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो कंडक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, लेकिन कंपैरेटिवन देखा जाए कि बेटा कॉस्ट इफेक्टिवनेस मोनोक्रिस्टलाइन की बेटा कम है, क्योंकि जब कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से आप और उसको फिल्टर करेंगे तो बेटा कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी, महंगा हो जाएगा। तो मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकन का जो वेफर होता है उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, लेकिन कंडक्टिविटी क्या होती है वो भी ज़्यादा होती है। तो बेटर एफिशिएंसी हमको यहाँ पे मिलेगी, लेकिन हम इसका इस्तेमाल कम करते हैं, हम पॉलीक्रिस्टलाइन जो सिलिकन वेफर है बेटा उसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे पास ज़रूर रहता है ना। तो ये थे पॉलीक्रिस्टलाइन को, हम एक और प्रोसेस से जब हम निकालेंगे तो हमको मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकन मिलता है, लेकिन ये थोड़ा सा महंगा होता है, तो हम इसका इस्तेमाल कम करते हैं, है ना। बनाने का तरीका तो बिल्कुल ऑलमोस्ट एफिशिएंसी में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है, लेकिन हम पॉलीक्रिस्टलाइन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं सोलर सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग में। अब होता क्या है कि हम सोलर सेल क्यों इतना पॉपुलर नहीं है, देखो दो चीज़ें होती हैं, एक तो बेटा ऑपरेटिंग कॉस्ट और दूसरा होता है इंस्टॉलेशन कॉस्ट। सोलर पावर प्लांट की ऑपरेटिंग कॉस्ट का कंपैरिजन करिए तो देखिए बहुत कम आ रही है, पर किलोवाट इसकी कितनी होगी, 0.01 डॉलर हो गई पर किलोवाट की कॉस्ट हो गई, और जबकि थर्मल पावर प्लांट की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो 0.1 डॉलर पर किलोवाट आवर है। यानी कि ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर देखा जाए तो सोलर पावर प्लांट की कम है, थर्मल की ज़्यादा है, लेकिन इंस्टॉलेशन कॉस्ट इसकी ज़्यादा हो गई और इसकी कम होती है। इसीलिए अभी तक हम थर्मल पावर प्लांट के ऊपर बहुत डिपेंडेंट हैं, तो जो बेटा अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हो गई वो ज़्यादातर थर्मल पावर प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ को देखें तो ज़्यादातर कंट्रीज़ में अब सोलर पावर प्लांट के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ गई है और उस तरह से वो पावर जनरेशन करते हैं, और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का पोल्यूशन फ्री एनर्जी मिलती है, है ना। तो ये चीज़ दो डिफरेंस हो गया। आप देखिए कैपिटल कॉस्ट कितनी ज़्यादा हो गई, 4500 जिसकी हो गई और इसकी 750 ही हो गई डॉलर प्रति किलोवाट। तो अगर कंपैरिजन करें तो देखिए कैपिटल कॉस्ट ज़्यादा हो गई ना, तो इसीलिए सोलर पावर प्लांट लोग प्रिफर नहीं करते हैं, ठीक। लेकिन कंट्रीज अब कर रही हैं, अब ये चीज़ें ऐसी हैं कि धीरे धीरे, जैसे जापान ने भी हाई स्पीड ट्रेन बनाई, हमने पिछला वीडियो में देखा था कितनी हाई स्पीड की ट्रेन बनाई है। अब कहना का मतलब ये हो गया कि ऑपरेटिंग कॉस्ट भले ही हमारे पास उसकी ज़्यादा होगी, इंस्टॉलेशन कॉस्ट ज़्यादा होगी, लेकिन फिर भी कंट्रीज कर रही हैं। तो घरों में अब आप देख रहे होंगे कि इस तरह से सोलर पैनल रूफ पे लगे होते हैं और ये क्या करते हैं, डीसी करंट को सप्लाई करते हैं जो कि पावर स्टोरेज कर लेता है बैटरी के अंदर, और ऐसे हमारे पास यहाँ पे बैटरीज होती हैं, है ना, जो एक कन्वर्टर होता है जो कि इस बैटरीज को चार्ज करता है, और ये हमारे पास घरों में सिस्टम होता है। लेकिन अगर हम इसको जैसे कि पावर प्लांट के रूप में ट्रांसमिट करना चाहते हैं तो बहुत सारे सोलर पैनल ऐसे अरेंज होने चाहिए, और फिर एक हमारे पास जिसको हम कहते हैं पावर इन्वर्टर वो होना चाहिए जो कि डीसी करंट को एसी में क्या करे, कन्वर्ट करे, फिर उसको ट्रांसफार्मर से स्टेप अप करके ग्रिड के थ्रू हम क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। ये तो हम जिसको कहते हैं सोलर पावर प्लांट की बात कर रहे हैं, है ना, एक ऐसा जहां पे मास में सोलर एनर्जी का इस्तेमाल होता है और कन्वर्जन होता है इलेक्ट्रिसिटी में, उसको सोलर पावर प्लांट कहते हैं। तो यहाँ पे हमें एक पावर इन्वर्टर की ज़रूरत पड़ेगी जो कि डीसी करंट को एसी में, ये देखिए पावर इन्वर्टर दिख रहा है। तो इस तरह से करके हमने बेटा अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया, और हमने आज आपको बताया कि बेटा किस तरह से एक सोलर सेल वर्क करता है, ठीक। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को मेरा ये बनाया हुआ वीडियो बेहद पसंद आया होगा, है ना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, हमारी टीम के साथ जुड़िए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।